रेड बटन दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन का बेल भी ज़रूर ऑन करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑसम इंडियन मॉम। फ्रेंड्स, आज जो है मैं नाश्ता बनाने वाली हूँ अभी, और इस ब्रेकफास्ट के लिए ये बहुत ही जल्दी बन जाएगा। बहुत ही टेस्टी है, यमी है, हेल्दी है। और बस इसके लिए जो चीज़ें हमें चाहिए वो है ये सूजी जो मैंने 1 कप ले ली है, दही है, प्याज है, शिमला मिर्च, 1 हरी मिर्च है, और साथ में लाल मिर्च, देगी मिर्च अगर आप डालना चाहें हल्के से कलर के लिए तो डालिए, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हरी मिर्च ऑलरेडी है। और साथ में मैंने नमक लिया है, गरम मसाला और काली मिर्च। और काली मिर्च का जो मेरे को टेस्ट होता है थोड़ा सा, वो काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो थोड़ी सी मैं डाल लेती हूँ। अगर आप नहीं खाना चाहते हैं तो आप नहीं डालें। और साथ में मैंने ये ब्रेड लिया है, ये होल व्हीट ब्रेड है, आटा ब्रेड है, आप देख रहे हैं आटा ब्रेड है ये, तो ये काफ़ी हेल्दी है, इसीलिए डैट्स इट। और साथ में जो है मैंने चाय बनने के लिए रख दी है, यहाँ मेरी चाय भी बन रही है। अभी ये पानी बॉयल हो रहा है, इसमें अभी मैं दूध वगैरह डालूँगी। तो पहले हम ये प्रिपरेशन कर देते हैं इधर इसकी बैटर की, क्योंकि इसको थोड़ा सा टाइम चाहिए, 2-3 मिनट लगेंगे इस बैटर को तैयार होने में। लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर आपने नहीं किया है, और नोटिफिकेशन का बेल भी ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये 1 कप सूजी के अंदर ये सारी मैंने शिमला मिर्च डाल लेनी है, और फिर उसी के साथ ये सारे जो हैं प्याज डाल लेने हैं। ये सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है, और अब इसके अंदर कुछ मसाले ऐड करने हैं, जैसे नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं जितना आपको चाहिए, और बाकी ये गरम मसाला और काली मिर्च और देगी मिर्च ये भी मैं डाल लेती हूँ। तो अब इसके अंदर जो है मैंने सारे मसाले ऐड कर लिए हैं, अब इसके अंदर दही डालना है और एक बैटर तैयार करना है। और अगर आपको ये थोड़ा सा गाढ़ा लगे तो आप इसमें और पानी भी ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर बहुत ज़्यादा जो है पतला भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए। तो इसको मैं अच्छी तरह एक बार मिक्स कर लेती हूँ हैंड से। तो आप देखेंगे ये इस तरीके से जो है मैंने मिक्सचर तैयार कर लिया है, और साथ में ही अब मैं चाय के अंदर जो है दूध डालने वाली हूँ, क्योंकि ये पानी ऑलरेडी बॉयल हो गया है, तो ये भी बनती रहेगी साथ साथ जब तक मेरा नाश्ता तैयार होगा। जो है ये बैटर भी तैयार हो चुका है, इसको जब तक 1-2 मिनट ये सेटल हो जाए तब तक हम ये ब्रेड जो है इसका क्या करते हैं, स्लाइस लेके इसके कॉर्नर्स निकाल लेते हैं, कॉर्नर्स इसके काट लेने हैं। तो मैं एक नाइफ़ की मदद से ये कॉर्नर्स जो हैं सारे कट कर लूँगी इसके। तो अब क्या है कि मैंने जो है ये इस तरह से ब्रेड के स्लाइस निकाल लिए हैं सारे काट के ये कॉर्नर्स, और इसको इस तरह से मैंने छोटे छोटे पीसेस में ले लिया। और साथ में मैंने ये पैन जो लिया है, ये पैन भी अब गर्म हो गया है, और इसके ऊपर अब मैं ऑयल डालने वाली हूँ। मैंने सारा ऑयल जो है इसके ऊपर डाल लिया है, और साथ में अभी जो स्लाइस हैं इनको मैं इसके अंदर इस तरह से पूरा कोट कर लूँगी, कि पूरा जो मटेरियल है अच्छे से कोट हो जाए इन ब्रेड स्लाइस के ऊपर। और इनको मैं इस तरीके से रखती जाऊँगी, ऐसे ही ये सारे स्लाइस जो है मैं इस तरीके से इसको कोट कर करके रखती जाऊंगी। तो अभी जो है ये पकने स्टार्ट हो गए हैं आप देखेंगे। तो अब मैंने क्या करना है, थोड़ा सा ऑयल लेकर मैं इस तरह से इनके ऊपर लगा दूंगी, ताकि जब मैं इन्हें पलटूं तो पीछे की साइड भी ऑयल हो। तो इनको मैंने क्रिस्पी कर लेना अच्छे से, आप देखेंगे इनको इस तरीके से पलट लेना है।
तो इसको दूसरी साइड से भी अच्छे से पकने देना है। और चाय में भी मेरे अब उबाला आ रहा है। और ये भी फटाफट से क्रिस्पी हो रहे हैं। ये देखेंगे ये दोनों साइड से जो है अच्छे से क्रिस्पी हो चुके हैं। सूजी जो है बहुत अच्छे से पक चुकी है और अब हम इनको निकाल लेंगे। तो अब मैं ये निकाल चुकी हूँ और अब मैं बाकी के जो हैं वो भी इसी तरीके से कोट करके डालूंगी। लेकिन पहले मैं इससे पहले थोड़ी सी ऑयलिंग कर दूंगी पैन की। और फिर वही तरीका है, आप ब्रेड स्लाइस लें, इनको कोट करें, अच्छे से पूरा मटेरियल इसके ऊपर डालें। सूजी बहुत हेल्दी होती है खाने के लिए, तो बच्चों को अगर सूजी की चीज़ें दी जाएं तो बहुत ही अच्छा होता है। और ब्रेड भी मैदे की जगह अगर आटे की आप यूज़ कर रहे हैं, आटे की ब्रेड मल्टीग्रेन हो या कोई हो, बहुत अच्छी है, हेल्दी है। तो बस इस तरीके से आप इसको फटाफट से कोट करें और रखते जाएँ। और ये बहुत ही क्रिस्पी क्रंची बनते हैं। तो ये जो है मेरा नाश्ता बनके तैयार हो चुका है, बहुत ही टेस्टी यमी। ये सूजी के जो टोस्ट हैं बहुत ही टेस्टी होते हैं, हेल्दी होते हैं। तो आप भी ये बनाइए, अपने बच्चों को खिलाइए, खुद खाइए, एंजॉय कीजिए। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स ये वीडियो देखने के लिए। बाय बाय।